हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली मोस्ट अवेटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडिया का ओला ऐप इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी टेस्ट राइड होते हुए दिखा है, जिसमें इसके को फाउंडर और CEO भावेश अग्रवाल ने इसको टेस्ट राइड किया है बेंगलुरु में। और ऐसा देख के लगता है कि ये जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रोडक्शन रेडी है। साथ ही साथ भावेश अग्रवाल ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें इसका कंस्ट्रक्शन जो साइट है उसका प्रोग्रेस के बारे में बताया था। तो इसका जो फैक्ट्री है वो एक मेगा फैक्ट्री है, 500 एकर्स में इसका फैक्ट्री बनाया गया है तमिलनाडु में। इस मेगा फैक्ट्री का जो इनिशियल प्रोडक्शन कैपेसिटी रहेगा वो 2 मिलियन यूनिट्स रहेगा। तो इतने ज़्यादा प्रोडक्शन के हिसाब से इसका जो प्राइसिंग होगा वो भी काफ़ी रीजनेबल होगा। तो इसकी जो प्राइसिंग होगी वो अराउंड 1 लाख के करीब होगी, इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये बेसिकली बाकी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है जैसे एथर 450X है, बजाज चेतक है, TVS iQube है, इनको टारगेट करेगा। और वैसे कंपनी का जो टारगेट है वो बेसिकली 125cc के जो पेट्रोल पावर्ड स्कूटर्स आते हैं उनको टारगेट करना है। यहाँ पर मैं ये बता दूं कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर बेस्ड ऑन इटरगो ऐप स्कूटर, जो डच की कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है, उस पर बेस्ड है, जिसको ओला ने एक्वायर किया था 2020 में। तो जो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर है वही सेम डिज़ाइन, वही सेम कॉन्सेप्ट पे बना है। और इसका जो डिज़ाइन के चेंजेस, जैसा आप देख सकते हैं कि जो इसका टेस्ट राइड हुआ है उसमें डिज़ाइन के कोई भी चेंजेस नहीं है। इसके स्पेसिफिकेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। और इसका जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में मिलता है, जैसे इटरगो का जो स्कूटर ऐप स्कूटर आता है वैसा ही सस्पेंशन है, बट इसको थोड़ा सा ट्वीक किया गया है सो दैट जो इंडिया के राइडिंग कंडीशन है, इंडियन रूट के हिसाब से सस्पेंशन का परफॉर्मेंस रहे, और इसका ताकि कॉस्ट भी थोड़ा सा कम रहे, इसके हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिलता है, जिसमें आप 2 हेलमेट भी रख सकते हैं। और इसमें स्लीक लुकिंग ट्विन पॉड LED हेडलैम्प मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं दिखने में। तो नाइट के टाइम पे भी अगर आप ट्रैवल करेंगे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर से तो काफ़ी अच्छा आपको लाइट का ब्राइटनेस मिलेगा। और कंपनी का ये भी कहना है कि कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को काफ़ी अच्छे से रिवाइज़ किया है इसके प्लेटफॉर्म को, जिससे इससे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस, बेटर रेंज और टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। वैसे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के जो ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन है वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुए हैं, लेकिन इसका जो रेंज है वो अराउंड 150 किलोमीटर्स का है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में हाइपर चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे इसकी बैटरी कम्प्लीटली चार्ज हो जाती है 36 मिनट्स में। तो काफ़ी कम टाइम पे इसकी जो बैटरी है वो फुल चार्ज हो जाती है, जिससे आपको 150 किलोमीटर्स तक का रेंज मिलता है। और कंपनी ने ये भी रिवील किया कि कंपनी इसका लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेंस चार्जिंग नेटवर्क जो कि वर्ल्ड में होने वाला है उसको इंडिया में बनाएगी, जिसकी जो चार्जिंग पॉइंट्स होंगे अराउंड 1 लाख चार्जिंग पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे 400 सिटीज़ में। तो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को ये कवर कर लेगा। और इसमें ये जो चार्जिंग नेटवर्क्स होंगे उसमें ये 50% इसकी जो बैटरी चार्ज होगी वो सिर्फ 18 मिनट्स, जिसमें आपको 75 किलोमीटर्स तक का रेंज मिल जाएगा। तो काफ़ी फास्ट चार्जिंग में आपको काफ़ी अच्छा रेंज आपको देखने के लिए मिलता है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो ऑफिशियल लॉन्च है वो अराउंड जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में 2021 में आपको देखने के लिए मिलेगा। और जैसे मैंने बताया कि प्राइस इसकी कॉम्पिटिटिव रहेगी, तो अराउंड 1 लाख के करीब इसकी या फिर उससे भी थोड़ी सी कम इसकी प्राइस हो सकती है। और ये बाकी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है जैसे एथर 450X, उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 1,60,000-1,50,000 के करीब है उसकी प्राइस। बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर, उसकी प्राइस अराउंड 1.5 लाख के करीब है, 1.5 लाख के करीब है। और TVS iQube अराउंड 1,10,000 के करीब है। तो उसके कॉम्पिटिटिव के हिसाब से इसकी प्राइस रखी जाएगी। तो मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही, थैंक यू।